opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. बड़ा बॉक्स टिक कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले सीजन के लिए भी. फ्यूचर पर नजर है. फ्यूचर पर नजर कहां से आई थी आपको बताऊं? 21 अप्रैल जाइए पिछले साल, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला गया था. एक चीज दिखानी है वीरूपा जी आपको, प्रोजेक्टर दादा चालू करना ना. गौरव एक और सवाल आपने पूछा था कि एमएस के बाद कौन कप्तान हो सकते हैं. मैं उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनको देखा नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ को, बट अगर वो लंबे समय तक अगले एक दो साल चेन्नई में रहे तो उनमें कैपेबिलिटी हो सकती है शायद कप्तान बनने की. कब कह दिया था आपने? क्यों, ऐसा क्या देखा आपने ऋतुराज गायकवाड़ में वीरपा जी, जरा हमें बताइए. और उसके बाद मेरी कुंडली ले लीजिएगा प्लीज देख के. अप्रैल फूल तो नहीं था? 21 अप्रैल था ना? अप्रैल फूल मना दिया. 28 अप्रैल सॉरी मैं लेट जागाऊंगा ना. नहीं, क्योंकि वो महाराष्ट्र ही कप्तानी करते. हाँ जी, खेलते बड़े क्वाइट है, मतलब 100 रन भी बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं उनके हाव भाव से कि उन्होंने 100 रन बनाए. 0 बनाएंगे तो भी वही हाव भाव रहेगा, ऐसा लगता नहीं है उनके चेहरे से या उनके एक्सप्रेशन से कि आज उन्होंने 100 बनाए बहुत खुश हैं, आज उन्होंने 0 बनाए बहुत दुखी हैं. तो एक्सप्रेशन नहीं है, कंट्रोल है, काम है. एक जो अच्छे कप्तान होने के लक्षण है सारे उनमें, और जो फर्स्ट क्लास की कप्तानी कर रहे हैं उनको आइडिया है कि भाई मैच को कैसे चलाना है, कब किसको गेंदबाजी कराने लाना है, कब क्या बैटिंग ऑर्डर में चाहिए. तो वो सब मुझे लगा कि शायद वो अगर कर रहे हैं तो वो एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, एक सीज़न किसी का भी अच्छा हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 3-4 सीज़न वो खेलेंगे तो वो ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो एमएस के बाद लॉन्ग टर्म कप्तान बन सकते हैं चेन्नई के. जी ये तो मेरा मानना है, मैं तो एक अपनी राय दे सकता हूँ, बाकी तो चेन्नई का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कौन कप्तान बनेगा कौन. दुनिया सुनती है आपकी राय वीरू भाई. नहीं बट ये फैक्ट है जी कि आपको कप्तान एक ऐसा चाहिए ना जो एमएस धोनी को सब लोग क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि कूल हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजों का, बल्लेबाजों का, इसलिए वो अच्छे कप्तान बना है. और लक फैक्टर भी उनके साथ आता है, लक उसी को फेवर करता है जो ब्रेव होते हैं, और एमएस धोनी वो ब्रेव डिसीजंस लेते हैं, हमने देखा है. तो मेरे ख्याल से वो शायद ऋतुराज गायकवाड़ में सारी खूबियां हैं, लक के मामले तो मैं नहीं जानता लेकिन बाकी सारी खूबियां जो एमएस के अंदर है. जी ये तो 10 पारी के बाद कह दिया था वीरूपा जी ने. अब जिस तरीके से हमने देखा है, हमने सुना था आप प्रीव्यू में भी इसकी बात कर रहे थे कि किस तरीके से कितना इंप्रेस्ड हैं आप ऋतुराज गायकवाड़ से, आपकी कैसी रीडिंग उनके लिए? आई थिंक उनकी गेम की रीडिंग करें तो बड़ा सिंपल रहा है वो, यू नो, जब से वो आए हैं. आई थिंक तीसरा सीजन है पूरा तो नहीं, आधा सा. जो खासियत उनकी मुझे लगी है कि ऐसा नहीं है कि उनकी शॉट मेकिंग जो है कि बाकी लोग मैच नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छा दिन होता है उसको ना सबसे लंबा करना जानते हैं. मैं उसमें एक बड़ा यू नो बिलीवर हूँ कि यू नो बुरा दिन बल्लेबाज का जो होता है वो 0 सब बराबर है, ग्रेट प्लेयर हो या ऑर्डनरी हो, लेकिन अच्छे दिन पे आपको रियल डिफरेंस नज़र आता है किसी बल्लेबाज का. और वो टेम्परमेंट है, क्योंकि स्किल नहीं है. स्किल चाहिए होती है आपको पहले 10-20 रन निकलने के लिए, उसके बाद जो है वो आप कैसे गेम को समझते हैं. जैसे वीरू ने अभी कहा कि गेम का आइडिया होना चाहिए, समझ होता है, तो वो सब चीज़ें इनके साथ ये दिखती है उनके खेल से 2.5 साल में कि भाई जब इनको अपनी गेम समझ आती है तो तभी आप दूसरे की गेम साथ में चला सकते हैं ना. अगर आप अपनी गेम को ही नहीं समझे हैं पूरी तरह तो आप दूसरे को साथ कैसे लेके चल सकते हैं. तो वो कई चीज़ें एबिलिटी हैं, बाकी पीरू ने एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या क्या उनकी खूबियाँ हैं और चॉइसेस भी कहाँ हैं इस टीम में. अब तो चॉइसेस भी नहीं बची. उस टाइम पे जब वीरू ने कहा तब तो शायद रायना भी थे, रविंद्र भी थे लाइन में, या 2-4 और खिलाड़ी थे. अब आज की डेट में अगर आप देखें तो इस टीम में अगर आपको बनाना हो तो आप एमएस के आगे अगर देख रहे हैं तो अब तो जो वीरू ने कहा वही चॉइस है, और तो कोई चॉइस दिख भी नहीं रही. क्योंकि यू नो अंबाती राइडू का टाइम हो गया है, उत्तप्पा का हो गया है, कॉन्वॉय तो अभी आए हैं, ब्रावो भी इतने साल नहीं रहने वाले आपके, ना आपके पास यू नो स्पिनर्स में कौन खेल रहा है इस साल. जडेजा आपने आजमा लिए हैं, आपने आजमा लिए हैं, यू नो जो एक फास्ट बॉलर जिन पे बड़ा इन्होंने दाव लगाया था ऑक्शन में, अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि उनकी इंजरी ऐसी है कि पता नहीं खेल भी पाएंगे वो गेंदबाजी दोबारा, क्योंकि फास्ट बॉलर की इंजरी का ना लगता है हमें कि कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन कई इंजरीज फास्ट बॉलर के लिए ऐसी होती हैं कि जो मर्जी डॉक्टर हो वापसी भी नहीं हो सकती. तो इसमें तो चॉइस अब तो जो 2 साल पहले का था अब ये फैक्ट है.